बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने कई शानदार परफॉर्मेंसेस दी है। अपनी परफॉर्मेंस के दम पर एक्ट्रेस ने फैंस के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब राधिका आप्टे की न्यू क्लिप वायरल हो गई थी। राधिका ने उस समय को याद करते हुए बात की। ग्रेजिया मैगजीन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब न्यूड क्लिप लीक हुई थी तो उसने उन्हें काफी प्रभावित किया था। उन्होंने कहा, जब क्लीन शेवन की शूटिंग के दौरान मेरी एक न्यूड क्लिप लीक हुई तो मुझे बुरी तरह ट्रॉल किया गया और इसने मुझे प्रभावित किया। मैं 4 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकी, इसलिए नहीं कि मीडिया क्या कह रहा है, बल्कि इसीलिए कि मेरे ड्राइवर चौकीदार और मेरे स्टाइलिश के ड्राइवर ने मुझे उन तस्वीरों में पहचाना। जो विवादित फोटोग्राफ थे उन्हें अगर कोई सही से देखता तो बता सकता था कि वो मैं नहीं थी। परशेद में न्यूड होने को लेकर उन्होंने कहा कि जब मैं परशेद के लिए स्ट्रिप्ड हुई थी तो पता चला कि छुपाने के लिए तो कुछ नहीं है, ये आसान नहीं था क्योंकि मैं उस समय अपनी बॉडी इमेज के इश्यूज से जूझ रही थी, इसीलिए स्क्रीन पर न्यूड होना थोड़ा डराने वाला था। राधिका ने कहा कि उन्हें अपनी बॉडी शेप और साइज पर गर्व है। बेशक वो फिल्म कई जगहों पर गई और इससे अधिक काम और सराहना मिली, मुझे वास्तव में इस तरह की भूमिका की आवश्यकता थी क्योंकि जब आप बॉलीवुड में होते हैं तो आपको लगातार बताया जाता है कि आपके शरीर के साथ क्या करना है और मैंने हमेशा कहा है कि अपने शरीर या चेहरे के साथ कभी कुछ नहीं करूंगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।